Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about the SSSB assistant manager for assistant accountant and for your PGT commerce. ठीक है, apart from SSSB अगर आपके कोई उत्तराखंड की वैकेंसीज हैं तो वहां पर भी ये सिमिलर सिलेबस होगा फॉर अकाउंटेंट एंड फॉर मैनेजर अकाउंटेंट एंड फॉर पीजीटी कॉमर्स. वहीं पर आपका राजस्थान में है, हरियाणा है, ठीक है ना, यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, डिफरेंट स्टेट्स में एग्जाम्स होते हैं. ठीक है, तो उन सब में सिलेबस ऑलमोस्ट जैसे अकाउंट्स का, कॉमर्स का सिलेबस है वो यही रहेगा, बट डिफिकल्टी लेवल एग्जाम की चेंज होती रहती है. वहीं पर आपका केवीएस है, एनवीएस है, ठीक है, तो सब में सिमिलर है. मैंने आपको वैकेंसी दिखाई थी सीबीएसई में अकाउंटेंट की, ठीक है, तो उसमें भी आपको अकाउंट्स का यही सिलेबस पढ़ना है. मैंने आपको एक आरबीआई की भी वैकेंसी दिखाई थी जैसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट वाली समथिंग, तो उसमें वो स्टैट्स वाला पार्ट वहां से कॉमन हो जाता है. तो ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट में मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग करा रही थी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आज मैं आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगी. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. उसमें से पूछ लिया जाता है कि कौन से टॉपिक, कौन से नॉन करेंट एसेट्स हैं, कौन से करंट एसेट्स हैं, तो इसमें कुछ यही सारी चीजें हैं, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आता है फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या है. इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल. आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होते हैं, डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमको पैसा जरूरत पड़ता है उसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं. और फ्लो ऑफ फंड क्या बताता है कि कितना इनफ्लो हो रहा है फंड का, कितना तो मतलब इनफ्लो मतलब आ रहा है फंड, और कितना आउटफ्लो हो रहा है कि कितना जा रहा है. ठीक है, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज आता है वर्किंग कैपिटल में विल टेक प्लेस ओनली इफ द इफेक्टेड अकाउंट इन आर ट्रांजेक्शन इज अ करेंट अकाउंट, करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी एंड अदर अकाउंट इज नॉन करेंट एसेट दैट इज फिक्स एंड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज. अब इसमें क्या होता है, ये क्या बताता है, वर्किंग कैपिटल में जो चेंज आ रहा है इंक्रीज या डिक्रीज, तो ये बताता है कि क्या ये हमारी की जो कोई ट्रांजेक्शन है उससे हमारे किसी करंट अकाउंट में चेंज आ रहा है, मतलब करंट एसेट्स में या करंट लाइबिलिटी में, या हमारे नॉन करेंट एसेट्स में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में. ठीक है, तो बेसिक ये चेंज बताता है हमारे एसेट्स. वेन अ चेंज इन नॉन करेंट अकाउंट इज फॉलोड बाई चेंज इन अनदर नॉन करेंट अकाउंट, इट डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन फ्लो ऑफ फंड. मान लो कि आपके किसी नॉन करेंट अकाउंट में चेंज आया है, ठीक है, उसकी वजह से आपके दूसरे नॉन करेंट एसेट्स में, या फिर अगर एसेट्स की ही बात करें, दोनों नॉन करेंट एसेट्स में अगर चेंज आया है तो फ्लो ऑफ फंड में हम कोई चेंज कंसिडर नहीं करें. मगर अगर चेंज करंट अकाउंट में रिजल्ट इन चेंज इन अदर करंट अकाउंट, ठीक है, चेंज अगर एक करंट अकाउंट की वजह से दूसरे करंट अकाउंट में भी कोई चेंज आ रहा है, इट डज नॉट अमाउंट टू चेंज इन फ्लो ऑफ फंड, उसको भी हम फ्लो ऑफ फंड में चेंज में कंसिडर नहीं करेंगे. तो अबव डिस्कशन से क्या कंक्लूड हुआ, दैट अ ट्रांजेक्शन विल कॉज अ नेट फ्लो ऑफ फंड ओनली वेन वन ऑफ द अकाउंट अफेक्टेड इज अ करंट अकाउंट एंड अनदर इज नॉन करंट अकाउंट. मतलब क्या हुआ, जो अभी इतना सब कुछ बोला मैं शॉर्ट में बताती हूँ आपको इस चीज का मतलब क्या था, कि अगर मान लो किसी नॉन करंट अकाउंट में चेंज आया, उसकी वजह से दूसरे नॉन करंट अकाउंट में चेंज आया, ठीक है, उसकी वजह से किसी दूसरे नॉन करंट अकाउंट में चेंज आया, तो हम उसको फंड फ्लो में चेंज में कंसिडर नहीं करेंगे. वहीं पे अगर मान लो किसी करंट अकाउंट में चेंज आया, उसकी वजह से किसी दूसरे करंट अकाउंट में चेंज आ रहा है, तब भी हम चेंज इन फंड फ्लो नहीं कंसिडर करेंगे. मगर अगर एक तो आपका करंट अकाउंट में कुछ चेंज आया, उसकी वजह से किसी और नॉन करेंट अकाउंट में अगर चेंज आ रहा है, तब हम उसको बोलेंगे कि आपके फ्लो ऑफ फंड में चेंज आया. ठीक है, तो मतलब क्या होने चाहिए, अकाउंट एक करंट होना चाहिए, दूसरा नॉन करंट होना चाहिए. ठीक है, अगर सेम सेम अकाउंट है, दोनों ही करंट अकाउंट में चेंजेस आ रहे हैं, तो हम फ्लो ऑफ चेंज में, फ्लो ऑफ फंड में कोई चीज कंसिडर नहीं करेंगे. वहीं पर अगर दोनों ही नॉन करेंट अकाउंट होंगे तब भी हम फॉलो नहीं करेंगे. बात यह है कि आपके दोनों अकाउंट एक नॉन करंट होना चाहिए, एक करंट होना चाहिए. अब करंट अकाउंट क्या होता है, नॉन करंट अकाउंट क्या होता है, मैं इतनी देर से बोल रही हूँ तो उसमें क्या क्या चीजें आती हैं वो क्लियर करते हैं. तो एक आता है आपका नॉन करेंट अकाउंट. नॉन करेंट अकाउंट्स में आपकी लाइबिलिटीज भी होती है, ठीक है, नॉन करेंट अकाउंट्स में आपकी लाइबिलिटीज भी होती है और क्या होते हैं, एसेट्स भी होती है. नॉन करेंट का मतलब क्या है, आपके फिक्स्ड अकाउंट, ठीक है, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म होते हैं, जिनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है. और करंट अकाउंट कौन से होते हैं, जिसमें आपकी लाइबिलिटी भी है, एसेट्स भी है, जिनको हम एक साल के अंदर अगर एसेट्स है तो उनको बेच देते हैं, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है विद इन वन ईयर, और लाइबिलिटी वो जिसको हम विद इन वन ईयर में पे ऑफ कर देते हैं, दे देते हैं उसको, उससे ज्यादा नहीं.
और यहाँ पे लाइबिलिटी वो सारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जिनको हम 1 साल से ज्यादा में पे करते हैं। तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज की बात करें तो आपकी इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट, ठीक है, लाइबिलिटी में प्रॉफिट साइड आती है, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये सब आपकी नॉन करेंट अकाउंट्स की लाइबिलिटी होती है। देखो वैसे तो ये चीजें आप हमेशा बैलेंस शीट में देखते आए हैं, नॉन करेंट करंट डला होता है तो आपको पता होता है नॉन करेंट कौन सा है। अगर नहीं याद है तो एक बार इसको ओवरव्यू करें ताकि आपको चीजें टिप्स पे याद रहे। वहीं पर नॉन करेंट एसेट्स की बात करें जो लॉन्ग टर्म होते हैं, आपको पता है गुडविल लॉन्ग टर्म होती है, ठीक है ना, हर किसी की जो गुड वैल्यू वो है, ब्रांड वैल्यू है, वो लॉन्ग टर्म होती है, बहुत सालों में बनाई जाती है, तो गुडविल लॉन्ग टर्म हो, ऐसे चीजों को याद करने की कोशिश करो। लैंड हम एक जगह खरीदते हैं तो बेचते नहीं है, काफी टाइम तक उसको रखते हैं। बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी अगर हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करी है, या फिर कोई भी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये याद रखो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हमारे क्या होते हैं, नॉन करेंट एसेट्स होते हैं। अब करेंट लाइबिलिटी की बात करें जिसको हम 1 साल के अंदर पे कर देते हैं, क्रेडिटर्स, आसपास से, जैसे हमने किसी से उधार ले लिया 1 साल के अंदर पे किया, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स ड्यू, कई बार इनकम टैक्स हमारा ड्यू रह जाता है, ठीक है, डिविडेंड जो पेबल, जो हमें डिविडेंड पे करना होता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आता है इसके अंदर। और करंट एसेट्स कौन से होते हैं जो 1 साल के अंदर हमको बेच देते हैं या उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है, जैसे कि स्टॉक, स्टॉक है किसी का, जूतों का बिजनेस है, तो जो वेयर हाउस में स्टोर करके रखता है वो स्टॉक, उसको अपने 1 साल के अंदर क्या कर देता है, बेच देता है, ठीक है, नया स्टॉक क्रिएट करता है। स्टॉक क्या आएगा, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन करंट हो गई, शॉर्ट टर्म करंट हो गई, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये चीजें आपको काफी पहले से ही आती होंगी, हमेशा से जो बैलेंस शीट में देखिए ये वही है। अब जो चीज मैं इफेक्ट बता रही थी कि इसका, कि कब आपका फ्लो ऑफ फंड में चेंज आता है, फ्लो ऑफ फंड में, फ्लो ऑफ फंड का मतलब क्या है कि या तो आपका कोई कुछ इनफ्लो हुआ होगा फंड में, कि कुछ या तो पैसा आया है या कुछ पैसा आपका गया हो, उसकी वजह से फ्लो ऑफ फंड में आपका चेंज आ, वो कब होगा कि एक चीज तो आपकी नॉन करेंट में चेंज आ रहा है और दूसरा करेंट में आ रहा है, मतलब कि दोनों अकाउंट्स क्या हो, डिफरेंट हो। अगर करंट नॉन करेंट टू नॉन करेंट में चेंज आ रहा है, उसकी वजह से फ्लो ऑफ फंड में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसे ही करंट अकाउंट्स, दोनों ही करंट अकाउंट में अगर चेंज आ रहे हैं तो फ्लो ऑफ फंड में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, ये दोनों अकाउंट्स डिफरेंट होने चाहिए, एक नॉन करंट होना चाहिए, एक करंट होना चाहिए, तभी फ्लो ऑफ फंड में क्या आना है आपका, चेंज आएगा, ठीक है, क्लियर है। अब देखो सोर्स होता है यूज और, सोर्स का मतलब क्या है, जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसा कहीं से लगाना पड़ता है बिजनेस में, या अपना पैसा लगाते हैं, तो वो होता है सोर्सेस, कि आपने पैसा कहाँ से अरेंज किया, ठीक है। और यूज ऑफ फंड का मतलब कि जो आपने वो पैसा अरेंज किया उसको यूज कहाँ कर रहे, वही ये चीजें हैं। सोर्स ऑफ फंड के हम क्लासिफाई करते हैं एक्सटर्नल सोर्स और इंटरनल सोर्स, मैंने अभी बताया था एक्सटर्नल, कई बार हम बाहर वालों से समा पैसा लेते हैं, कई बार इंटरनली सोर्स, जो हमारे पास इंटरनल पैसा होता है, हमारे पास रिटेन अर्निंग होता है, रिटेन अर्निंग वो प्रॉफिट का पार्ट होता है जो हम एज अ डिविडेंड नहीं बांटते हैं, अपने पास वापस रख लेती है कंपनी, ताकि उसे फ्यूचर में कहीं और इन्वेस्ट कर सके और वहां से और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, उसको हम रिटेन अर्निंग कहते हैं। तो उसको वो कई बार एज अ सोर्स यूज करती है। तो एक्सटर्नल सोर्स का मतलब क्या है, वो सोर्स जो कि हमने आउटसाइड ऑफ द बिजनेस से पैसा अरेंज किया है, जैसे कि हम एडिशनल कैपिटल रेज करते हैं, है ना, हम शेयर कैप इक्विटी शेयर इशू कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बाहर से हमने लोन लेना स्टार्ट कर दिया है, हमने अपना कोई फिक्स एसेट्स बेच दिया है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, तो वो भी क्या हो जाएगा, आपके क्या आना है, एक्सटर्नल सोर्स, कि आपने कोई अपने बाहर की जो आपका फिक्स एसेट्स था आपने वो बेच दिया है, या आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेच दी। अब इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, जो इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, एवरी प्रॉफिटेबल सेल ब्रिंग्स इन फंड टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्सेस ऑफ सेल्स रेवेन्यू ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आपको पता है हर कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है, जो उसने सेल करी से रेवेन्यू कमाया है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो उसको गुड्स गुड्स बनाने की कॉस्ट लगी उसको माइनस कर देते हैं तो उसका प्रॉफिट निकल आता है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट ही क्या होता है, इसको ही हम बोलते हैं फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, ये वो पैसा है जो ऑपरेशन से आया है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फंड होता है। तो हम इसी प्रॉफिट को कहीं पे अगर हमें यूज करना होता है, हमें कोई और एसेट्स खरीदने हैं, कहीं पे हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम इस प्रॉफिट को यूज करते हैं, तो यही क्या हो जाता है, एक सोर्स ऑफ फंड हो जाता है, कि हमें अगर सोर्स कहीं से पैसा चाहिए तो हम अपने प्रॉफिट में से ले लेते हैं, ठीक है। अब यूजेस को ही एप्लीकेशंस ऑफ फंड्स भी बोलते हैं, ये क्या होता है,
हम इनको जो हमने लॉन्ग टर्म सोर्सेज लिए हैं, ठीक है, आर नॉट नेसेसरी अप्लाई फॉर फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। जरूरी नहीं है जो हमने बाहर से पैसा रेज किया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ है या फिर इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं या प्रॉफिट यूज कर रहे हैं, जरूरी नहीं है हम उसे अपने नेट वर्किंग कैपिटल के लिए ही यूज करें। मतलब नेट वर्किंग कैपिटल मतलब कि डे टू डे वर्किंग के लिए। अ सस्टेनेबल पार्ट ऑफ दिस अमाउंट यूज टू यूटिलाइज। कई बार हम जैसे हमने कोई 1 करोड़ रुपए बाहर से लिए, तो जरूरी नहीं है ये हम हमारी वर्किंग कैपिटल के लिए ले रहे हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब कि हमें हमारी 1 साल के अंदर वाली जो हमारे एक्सपेंसेस और एसेट्स खरीदने हैं उन्हीं के लिए हम वो 1 करोड़ यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। कुछ हम नेट वर्किंग के लिए लेते हैं, कुछ हमारे किस चीज के लेते हैं, हम फिक्स एसेट्स के लिए लेते हैं। हमें कोई फिक्स एसेट्स परचेज करना है, ठीक है, कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर हमें कोई एसेट परचेज करना है या फिर हमें डिबेंचर रिडीम करनी है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करनी है, डिविडेंड की पेमेंट करनी है, कुछ लॉसेस जो हमें ऑपरेशन से हो गए थे हमको वो मीटअप करने हैं। इनफैक्ट वेन एवर इज लेफ्ट द एप्लीकेशन ऑफ फंड फॉर दीज पर्पस विल बी द अमाउंट यूज फॉर फाइनेंसिंग द इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। तो अब क्या हो जाता है, यूज ऑफ फंड आर, अब हम क्या क्या जो हमने फंड रेज किया उसका क्या क्या यूज करते हैं, फिक्स एसेट्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को परचेज करने के लिए, रिडेम्पशन करने के लिए डिबेंचर्स का, प्रेफरेंस शेयर्स का, रिपेमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म लोन, पेमेंट करने के लिए डिविडेंड का, हमारे जो लॉसेस हमें ऑपरेशन के दौरान हो गए हैं नेट लॉसेस उनको मीटअप करने का, और फाइनेंसिंग का इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और जो हमारे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आ रहा है उसको फाइनेंस करने के लिए हम ये सारे सोर्सेज का यूज करते हैं। आपको पता है हम इक्विटी जो रेज कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, सब किसके लिए ले रहे होते हैं? देखो मैंने बोला था ना, यहाँ पे हमने एक चीज पढ़ी है रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, मतलब हम कहीं और अपना प्रॉफिट का पैसा लोन की पेमेंट भी लगा रहे हैं, है ना? बात तो वही हो गई ना, प्रॉफिट आपका क्या था, एक सोर्स था, ठीक है, एक सोर्स ऑफ फंड था, उसको हमने यूज कहाँ कर दिया, लोन की पेमेंट में, ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन की पेमेंट में हमने इसको यूज कर। अब आते हैं नेक्स्ट चीज आती है फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनता क्या क्या है। फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या करता है, इंडिकेट करता है द एक्सप्लेन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कॉज ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ फंड्स। ये बताता है कि आपकी जो फंड्स है मतलब नेट वर्किंग कैपिटल, मतलब आपके फंड में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, कि आपका फंड ज्यादा इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, कि हमारे खर्चे। आउटफ्लो का मतलब क्या है, पैसा जा रहा है, इनफ्लो का मतलब क्या है, पैसा आ रहा है। तो हमें देखना पड़ता है कि हमारे किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम नेगेटिव जा रहे हैं, हम प्रॉफिट में जा रहे हैं, है ना? तो ये चीज चेक करनी होती है। तो हमारे पास क्या होता है, दैट लुक प्लेस बिटवीन टू बैलेंस शीट। हम दो बैलेंस शीट को कंपेयर करते हैं कि 2022 में हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी, कितना इंक्रीज डिक्रीज आया, और 23 में कितना आया। मतलब कि हम कंपेयर करते हैं कि एसेट्स की वैल्यू मान लो पहले 1 लाख थी, अब आपके पास 2 लाख हो गई, तो हमें पता चल गया हमारे पास 2 लाख का इंक्रीज आया। तो ऐसे हम चेंजेस देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डज इट हाईलाइट द बेसिक चेंज इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तो क्या बताता है कि हमारे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्या चेंज आया है, एसेट्स के स्ट्रक्चर में क्या आया है, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ बिजनेस बिटवीन टू बैलेंस शीट। लिक्विडिटी का मतलब होता है क्या, कि हम पैसे को जब इजिली कन्वर्ट कर पाते हैं, मतलब चीजों को बेच के इजिली कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं, या फिर हम उसकी कैश पोजिशन कैसी है। तो दो बैलेंस शीट को हम कंपेयर करते हैं। बट प्रिलिमिनरी इट रिवील्स चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बाय आइडेंटिफाइंग द सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड रिजल्टिंग फ्रॉम द फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड। अब क्या होता है, बेसिक ये क्या चीज बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है कंपनी की, वो आइडेंटिफाई करता है क्या तो सोर्स ऑफ फंड है और कहाँ हम उस फंड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ से हम फाइनेंस कर रहे हैं, क्या हमारी इन्वेस्टिंग डिसीजन है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए। द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो इन्वॉल्व्स इनिशियली द फॉलोइंग 3 स्टेप। जब आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाना होता है तो हम ये 3 स्टेप्स करते हैं। सबसे पहले आता है स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल सबसे पहले देखते हैं। दूसरा होता है स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एंड थर्ड होता है प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट ऑन वर्किंग कैपिटल बेसिस। किस पे बनाते हैं हम फंड फ्लो, जो बना रहे होते हैं ना वो हम वर्किंग कैपिटल बेसिस पे बनाते हैं, ठीक है। अब आते हैं सबसे पहला चीज जो कि आपका स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। एज एक्सप्लेन अर्लियर द फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट इज टू प्रिपेयर स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। जब भी आपसे फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा, स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। फॉर दिस पर्पस ऑल द नॉन करेंट आइटम्स आस्क टू बी इग्नोर्ड। अब आपको पता है ना वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, जितनी भी आपके करंट अकाउंट्स होते हैं हम उनको ले,
ठीक है, हम यहाँ पर हमारे करंट एसेट्स कितने हुए हैं, अगर आप ग्रॉस वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो वो कैलकुलेट करता है हमारा टोटल करंट एसेट्स, और अगर आपको नेट वर्किंग कैपिटल चाहिए तो वो बताता है करंट एसेट्स माइनस करंट आईबीटी। तो कंप्लीटली हम नॉन करंट आइटम्स को यहाँ इग्नोर करेंगे, ठीक है। सिंपली द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटी आर कंसिडर, ठीक है, टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन डिक्रीज इन नेट वर्किंग कैपिटल। तो हमें ये चेक करना है, तो होता है कि हमारे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आया है या डिक्रीज, ठीक है। इन इंक्रीज एन इंक्रीज इन करंट एसेट्स बिटवीन टू बैलेंस शीट डेट्स रिजल्ट इन इंक्रीज इन नेट कैपिटल एंड डिक्रीज इन करंट एसेट्स रिजल्ट इन नेट डिक्रीज इन। अब देखो, अगर आपके करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे होंगे, करंट एसेट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं, तो सिंपल बात है कि आपका वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ रहा होगा, लाइबिलिटीज तो उतनी की उतनी है, एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली नेट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ जाएगा। और वहीं में अगर आपका कैपिटल करंट कैपिटल मान लो लाइबिलिटी 1 लाख की है और करंट एसेट्स 50,000 के हैं, तो आपका क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो गया 50,000 से। या फिर करंट एसेट्स मान लो 1 लाख के हैं और करंट लाइबिलिटी 50,000 की है, इस केस में आपका इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अब आता है इंक्रीज एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। आप करंट लाइबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, करंट लाइबिलिटी की तरीफ साइड से देखेंगे, करंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है, एन इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी बिटवीन द बैलेंस शीट डेट्स डिक्रीज नेट वर्किंग कैपिटल वेयर इज डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी इंक्रीज द नेट वर्किंग कैपिटल। अब देखो, एसेट्स के साथ तो चलता क्या है, एसेट्स के साथ केस ये है कि एसेट्स की वैल्यू होगा, करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगी। और करंट लाइबिलिटी के साथ क्या होता है कि अगर करंट लाइबिलिटी कम होगी तो आपका नेट वर्किंग क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर करंट लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका नेट वर्किंग क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अब ये चीज आपको मैं फॉर्मूले से बताती हूँ, फॉर्मूले से ही आपको पता चल जाएगा। और पहली बात तो नॉर्मल हिंदी की बात है कि आपके पास बाहर का पैसा उधार ज्यादा हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि आपको वो पेमेंट कहाँ से करनी है, आपकी करंट एसेट से पेमेंट करनी है, तो आपका नेट वर्किंग क्या हो जाएगा उस केस में, अगर बाहर का पैसा ज्यादा है, कम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है नेट वर्किंग का, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी जितनी कम होगी उतना ज्यादा ही नेट वर्किंग कैपिटल आएगा, और करंट लाइबिलिटी अगर बढ़ गई तो नेट वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें, मान लो करंट एसेट्स आपके 1 लाख के, 2022 की बात लेते हैं, और आपकी करंट लाइबिलिटी है 50,000, तो नेट वर्किंग कैपिटल निकाल, तो 1 लाख माइनस 50,000 है ना, 1 लाख माइनस 50,000, तो आपका 50,000 का नेट वर्किंग कैपिटल। मान लो नेक्स्ट ईयर 2023 में अब आपकी नेट करंट लाइबिलिटी हो गई है 2 लाख की और करंट एसेट्स वही 1 लाख के मान के चलो, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, 1 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आपका आ गया 1 लाख, वो भी नेगेटिव। तो देखा ना, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई तो आपका क्या हो गया, नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कम हो जाएगा। वहीं पर अगर मान लो आपकी पहले 50,000 थे, अब करंट लाइबिलिटी मान लो आपकी हो गई 20,000, इस केस में नेट वर्किंग निकाल के देखो, 1 लाख माइनस 20,000 तो मतलब कि 80,000, तो करंट लाइबिलिटी के कम होने से नेट वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। सिंपल फॉर्मूला लगाने हैं तब आप खुद से ये रूल लिख सकते हैं कि कब करंट लाइबिलिटी के बढ़ने से या घटने से नेट वर्किंग कैपिटल पे क्या फर्क। अब आते हैं टेबल कैसे बनती है इसकी, स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो पर्टिकुलर्स बनाते हैं, प्रीवियस ईयर लेते हैं क्योंकि हम बैलेंस शीट कंपेयर कर रहे हैं, करंट ईयर लेंगे, देखेंगे कि इंक्रीज आया है या डिक्रीज आया है। तो सबसे पहले आते हैं करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स में आपके पास क्या क्या होता है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, बिल्स रिसीवेबल, सरेंडरी डेटर्स, टेम्पररी अगर इन्वेस्टमेंट हुई है या फिर आप उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, कम टाइम के लिए, स्टॉक या इन्वेंटरी, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अक्रूड इनकम। आपको पता होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, तो ये आपके आ गए
चार तरीके के आपके ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं इनकम के। तो आउटस्टैंडिंग क्या होती है, आपकी लायबिलिटी होती है। प्रीपेड आपके क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। और अनअर्न इनकम आपकी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न, ऊपर दोनों लायबिलिटी, बीच की दोनों एसेट्स, ठीक है। तो ये आपकी ट्रिक है। तो ये सारे आपने एक तरफ लिख लिए पहले अपने सारे करंट एसेट्स, फिर आप टोटल ले लेंगे टोटल करंट एसेट्स का, ठीक है। हमने टोटल ले लिया, फिर आएंगे इसमें से हमारे क्या आएंगे, लिखना है आपको कितने आपके करंट लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा आपका क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल्स, शॉर्ट टर्म एडवांसेस, आउटस्टैंडिंग एडवांसेस, डिविडेंड पेबल, प्रपोज डिविडेंड, एबीसी का पार्ट है। फिर आपके पास आ जाएगा टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज, ये हमने बी लिया हुआ है, और टोटल ऑफ करंट एसेट्स ए लिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो ए माइनस बी हम कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल। फिर हम देख सकते हैं कि क्या हमारा नेट इंक्रीज या डिक्रीज आया है वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो। ये है आपका, पहले आपको रूल्स बता देती हूँ इंक्रीज और डिक्रीज के वर्किंग कैपिटल। वैसे तो मैंने आपको बता दी, फिर भी अगर करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होता है। फॉर्मूला देखना है, रटना कुछ नहीं है, फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस करंट है। खुद देखो, अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये डिक्रीज हो गए करंट एसेट्स, और ये उतने का उतना ही है या ये बढ़ता जा रहा है या उतना ही है, तो आपको पता है नेट वर्किंग कैपिटल भी क्या करेगा, फॉल करेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव कम हो रहा है, इसमें से इसको माइनस कर दो। वहीं पर अगर करंट एसेट्स आपके बढ़ गए तो आपको पता है ये बढ़ेगा, इसका मतलब फिर नेट वर्किंग कैपिटल भी बढ़ेगा। वहीं पर करंट लाइबिलिटीज मान लो अगर इंक्रीज हो गई, देखो नेगेटिव साइज इंक्रीज हो रही है, तो फाइनल नेट वैल्यू तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये इंक्रीज हुई तो ये डिक्रीज होगा। वहीं पे अगर करंट लायबिलिटीज आपकी फॉल कर गई, करंट लायबिलिटी अगर फॉल कर गई, तो मतलब नेगेटिव साइड फॉल कर रही है, तो नेट वैल्यू इंक्रीज आएगी, ठीक है। तो ये है बेसिक रूल, रटना नहीं है, फॉर्मूले में खुद आप डालकर अपना चेक कर सकते हैं कि इंक्रीज आया है डिक्रीज आया। वैसे ही करेंगे क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है, आपको बैलेंस शीट गिवन है 2022 और 2021, ठीक है। ये 2020 की है और ये 2021 की है। आपको प्रिपेयर करना है स्केड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारी लाइबिलिटी साइड गिवन है हमें, और ये हमारी एसेट साइड गिवन है, ठीक है। हमें पहले इसमें से आपको छांटना होता है कि कौन से करंट एसेट्स है, कौन से करंट लाइबिलिटी है। तो वो चीज आपको बहुत जरूरी से आनी चाहिए, कि आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होती है, नॉन करंट करंट लाइबिलिटी। हमें चाहिए करंट, रिजर्व भी क्या है आपके, नॉन करंट, सरप्लस भी नॉन करंट, बैंक लोन, ट्रेड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारे क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, तो करंट लायबिलिटी। बैंक लोन में क्या होता है, अगर मेंशन है कि वो शॉर्ट टर्म है तो हम उसको शॉर्ट टर्म लेते हैं, और अगर वो लॉन्ग टर्म लिखा होता है तो उसको लॉन्ग टर्म लेते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा होता है, ठीक है, जिस केस में जो आपका कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तब आप उसको लॉन्ग टर्म ही ले। अगर आप शॉर्ट टर्म ले रहे हैं अपने उस पे, तो नीचे ना नोट डाल दें कि मैंने बैंक लोन को लॉन्ग टर्म कंसिडर किया। मगर अगर कुछ नहीं लिखा होता है बैंक लोन के सामने, तो आप उसको लॉन्ग टर्म ही लो, उसे शॉर्ट टर्म मत ले, ठीक है। अगर वहां पे शॉर्ट टर्म बैंक लोन लिखा होता है, टेम्परेरी लोन लिखा होता है, तो हम उसको शॉर्ट टर्म ले लो। यहाँ पर है आपके एसेट्स, तो ये करंट एसेट्स होते हैं, ये भी करंट एसेट्स हैं, ये भी गुडविल आपकी नॉन करंट एसेट्स है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एसेट्स है। अब स्केड्यूल फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल बनाते हैं। पहले आएंगे करंट एसेट्स उसका टोटल, देन करंट लायबिलिटी उसका टोटल, फिर हम वर्किंग कैपिटल निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि हमारे वर्किंग कैपिटल में दोनों साल में इंक्रीज आया है डिक्रीज। सबसे पहले करंट एसेट्स में हमने डाल दिया स्टॉक। स्टॉक हमारा गिवन है, हमें इसमें है 1,25,000, इसमें 87,000, ठीक है। तो हमने कॉलम बनाए 2020 का, 2021 125,87, कैश इन हैंड 70,000 था 2020 में, और 21 में 25। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी, और टोटल करंट एसेट्स इन दोनों का, तीनों का टोटल, और यहाँ पर इन तीनों का इसका टोटल। अब हमें चेंज देखना है कि चेंज क्या आया। 20 में थी आपका स्टॉक 1,25,000 का, फिर हो गया 87, तो ये क्या हो गया, फॉल कर गया। तो मतलब कि ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, कितने से, 38,000 से। कैश इन हैंड 70,000 से 25,000 का हो गया, ये भी आपका डिक्रीज हो गया 45 से। रिसीवेबल जो है आपके 90 से 98 हो गए, तो 8,000 का इंक्रीज आया, तो हमने इंक्रीज साइड डाला, टोटल डाल लिया। करंट लाइबिलिटी साइड आते हैं तो यहाँ पे आएगा ट्रेड
ट्रेड क्रेडिटर्स 35,000 के थे, अब हो गए 50,000 के। क्रेडिटर्स क्या हो गए, बढ़ गए कितने से, 15,000 से। तो करंट, टोटल करंट लाइबिलिटीज आपकी कितनी आ गई, और कुछ तो आपका था ही नहीं करंट लाइबिलिटी, तो यही आपका टोटल आ गया। अब देखना है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, ए माइनस बी। तो पहले 2020 का निकालेंगे, पहले 2020 का निकालते हैं। 2020 में आपका करंट लाइबिलिटी एसेट्स आए हैं 2,85,000 और करंट लाइबिलिटीज आई है 75,000। तो नेट वर्किंग कितना, वर्किंग कैपिटल आपका कितना आ गया, 2,50,000। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो, ऐसे ही 2,10,000 में से माइनस कर देंगे 50,000 2021 की करंट लाइबिलिटी को, तो आपका वर्किंग कैपिटल आ गया 1,60,000। अब हम देखेंगे हमारे वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज आया है। वर्किंग कैपिटल पहले 2,50,000 का था, 1,60,000 का हो गया। ठीक है, तो ये था 2,50,000 और ये हमारा 1,60,000। तो ये आपका डिक्रीज आया है, ये डिक्रीज साइड आएगा, इंक्रीज साइड लिख दिया है 90,000। तो हमने लिखना है कि हमारा डिक्रीज आया है इन वर्किंग कैपिटल कितने से, 90,000 से। 2021 में हमारा वर्किंग कैपिटल 90,000 से फॉल कर, तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा, 1,60,000 में 90 प्लस कर देंगे तो वो 2,50,000 हो गया। यहाँ का टोटल आप करोगे, नहीं वैसे ही आपको बैलेंस करना होता है लास्ट में ना, हमें बैलेंस करना होता है। डिक्रीज कितने से आया, ये तो 2,00,000 है, 2,00,000 आ गया, ये हमें बैलेंस करना है 2,50,000, ये 1,60,000 है, फॉल कितने का हुआ, 90,000। ठीक है, तो हमें इंक्रीज वर्किंग कैपिटल में कितना इंक्रीज लाना था, 90,000 का, है ना। अगर हमें दोनों को वर्किंग कैपिटल को बैलेंस करना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वर्किंग कैपिटल में इंक्रीज लाना होगा 90,000 का। अब आप इंक्रीज टोटल करके देखो तो 98 आएगा, डिक्रीज भी टोटल करके देखो तो 19। ठीक है, बेसिक हमने लास्ट में क्या किया, लास्ट वाली चीज एक और बार क्लियरली समझ लीजिए कि आपने पहले वर्किंग कैपिटल का चेंज निकाल लिया, ए और बी दोनों का निकाला, मतलब 2020 और 21 का निकाला, हमने डिफरेंस देखा कितने का आया है, 90,000। तो हमारा डिक्रीज हो गया वर्किंग कैपिटल, पहले 2,50,000 का था, 1,60,000 का आ गया। डिक्रीज किस साइड आया, 2021 में हमने वहां लिख दिया। अब ये तो आप, इसका टोटल तो वही आ गया 2,50,000, इसका टोटल कितना आ गया, 90 को ऐड करके 2,50,000। तो डिक्रीज था 2021 में, डिक्रीज था 90,000 का, तो हमें 90,000 बढ़ाने हैं, इंक्रीज करना है। टोटल करके देखो तो ये भी 98,000 करना है हमें, इसको भी ट्रिपल करना है, हमको सब कुछ बैलेंस करना हो। ठीक है, तो ये थी आपका स्केड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम करेंगे ये, कल एक और क्वेश्चन लेके आऊंगी, अगर अभी क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं, कल हम दोबारा करेंगे। तो हमने स्केड्यूल इन चेंज इन वर्किंग कैपिटल कर लिया है, उसके बाद हम कल करेंगे फंड फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड प्रिपरेशन फॉर फंड फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट वर्किंग कैपिटल बेसिस में, ये दोनों करके कल ये चैप्टर का फंड फ्लो स्टेटमेंट खत्म करके उसके साथ साथ फिर हम कैश फ्लो भी करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन बेसिकली इसमें से आ जाते हैं आपके कि करंट एसेट्स कौन से होते हैं, नॉन करंट एसेट्स क्या होते हैं, और रूल क्या होता है, दिस रूल आपका जो ये इनका रूल होता है, वो डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, और ऐसे में ना हमें समझ नहीं आता है, हमारा माइंड काम नहीं करता है कि इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो आपको सिंपली फॉर्मूले में कोई भी एग्जाम्पल डाल के, वैल्यू डाल के आंसर चेक कर लेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।